ଦିନିକିଆ କନ୍ଧମାଳ ଗସ୍ତରେ ଆସିଛନ୍ତି ବିଜୟ ପାଲ ସିଂ ତୋମାର ଯିଏ ପୂର୍ବତନ କିଷାନ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭାର ଯିଏ ଏଠି ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭା ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ସାତ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏଥିସହିତ କନ୍ଧମାଳ ଲୋକସଭାର ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର कर्मी मान सहित विभिन्न बैठक में आलोचना कर गुरुमंत्र दुई हज़ार चौबीस निर्वाचन कि भिवरे आम पार करें सहित टी आलोचना करवा सर पहले हम अर्घज टी को आप स्वागत कीजिए देखिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आप मेरे से ये जानकारी लेने आई मैं ये पाँचवीं लोकसभा है जहाँ प्रवास कर रहा हूँ पहला सुंदरगढ़ लोकसभा में पूरे दिन बैठक कही रात्रि में रुका अगले दिन बरगढ़ में गया वहाँ रात्रि रुका पूरे दिन बैठके की तीसरे दिन में बलंगीर में गया चौथे दिन में कालाहांडी लोकसभा में गया हर लोकसभा में तीन बैठकें मैं करता हूँ और कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ पहली बैठक में सातों विधानसभाओं के प्रत्याशी लोकसभा के प्रत्याशी सातों विधानसभाओं के प्रभारी संयोजक लोकसभा के प्रभारी संयोजक और सारे विस्तारक सातों विधानसभाओं के विस्तारक और लोकसभा के विस्तारक और मंडल के सभापति जिले के सभापति और महामंत्री प्रदेश कार्य समिति के सदस्य इनकी एक बैठक होती है इसके बाद दूसरी बैठक लोकसभा की संचालन समिति की बैठक करते हैं और तीसरी बैठक विस्तारकों के साथ बैठक करते हैं तो आज की हमने एक विधानसभा की बूथ विजय अभियान की कार्यक्रम में भाग लिया और लोकसभा की बैठक की विस्तारकों की बैठक की भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और लगातार वो अपने हर बूथ पे भारतीय जनता पार्टी की विजय कैसे हो 50 परसेंट से अधिक वोट कैसे हों इसके लिए प्रयास करती है इस बार प्रधानमंत्री जी ने एक कहा है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ानी है 370 वोट बढ़ाने के लिए क्या काम करना है ये हमको अपने कार्यकर्ताओं को समझाना है इसीलिए ये बैठकें की जा रही हैं और बैठकों में जो केंद्र सरकार ने किया है और उड़ीसा की सरकार केंद्र के कार्यों पर अपने ठप्पे लगा रही है और ये लोगों को बताना चाहती है कि ये उड़ीसा सरकार ने किया है इस गलत फहमी को दूर करना लोगों को जानकारी देना ये पहला काम है उड़ीसा सरकार की नाकामयाबी उड़ीसा सरकार का भ्रष्टाचार उड़ीसा सरकार में कानून व्यवस्था का खराब होना महिलाओं के साथ दुराचार होना उनकी हत्या हो जाना उनको जलाकर डाल देना और किसानों के साथ कटनी छटनी का काम इन सबको बड़े घोटाले इनके कहीं का खनन का घोटाला है कहीं ज़मीन का घोटाला है सब में लिप्त हैं उड़ीसा सरकार की नाकामी को जनता के सामने लाना और ये बताना कि किस तरह से देश के करीब अस्सी करोड़ लोगों को राशन दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से यहाँ भी पांच किलो प्रति व्यक्ति चावल मिलता है प्रति माह थैले पर ये अपना फोटो लगा देते हैं बीजेडी वाले लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं ये तो बीजेडी दे रही है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चार करोड़ लोगों को आवास मिला है यहाँ भी करीब तीस लाख लोगों को आवास मिला है उसमें भी इन्होंने पात्र व्यक्तियों को बहुतों को नहीं दिया है और ये पात्र जो इनके कार्यकर्ता है उनको दे दिया है पैसा केंद्र का है मोदी जी की सरकार का है और ये उस पर ये लिखने की भी वो नहीं करते कि प्रधानमंत्री आवास योजना है उस पर भी गुमराह करते हैं अपना आवास बताते हैं आयुष्मान भारत योजना की लागू इन्होंने नहीं की है पाँच लाख तक का मुफ्त गरीब लोगों को इलाज मिले और अब तो हमने संकल्प प्रधानमंत्री जी ने किया है अगले संकल्प पत्र में कि जो उच्च आय के लोग हैं मध्यम आय के लोग हैं उनको भी सत्तर वर्ष से आयु वालों के लिए सबको इसके अंतर्गत लाया जाएगा अब तक तेरह करोड़ लोगों को तेरह करोड़ परिवारों को आयुष्मान कार्ड बढ़ चुके हैं यहाँ के एक भी परिवार को इसलिए नहीं मिला क्योंकि यहाँ की सरकार ने लागू नहीं की वो योजना जो उड़ीसा के लोग जो बाहर हैं जो माइग्रेंट लेबर्स हैं बाहर काम कर रहे हैं या यहाँ के बाहर जाते हैं वो बाहर बीमार हो जाते हैं तो उनको क्या यहाँ का कार्ड काम करेगा ये कहते हैं हमारी उड़ीसा की अलग योजना स्वास्थ्य की अरे और प्रदेशों में भी अलग योजना बीजेपी की जहाँ डबल इंजन की सरकार है राज्य की योजनाएं भी हर और केंद्र की भी लागू कर रखी है तो ये गरीब लोगों को वंचित किए हुए हैं किसान को किसान सम्मान निधि ग्यारह करोड़ लोगों के खाते में जा रही है दो लाख अस्सी हज़ार करोड़ अब तक जा चुकी है यहाँ के बहुत किसानों को किसान सम्मान निधि इसलिए नहीं मिल रही इन्होंने यहाँ की सरकार ने उड़ीसा की सरकार ने रिवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं करा इसीलिए किसानों को नहीं मिल रही केंद्र लागत का डेढ़ गुना दे रहा है एम एस यहाँ की धान का एम पूरा नहीं मिल पा रहा है यहाँ कटनी छटनी का काम होता है पंद्रह परसेंट तक कटौती की जाती है केंद्र की जितनी योजनाएँ हर घर नल से जल अब नौ करोड़ लोगों के पहुंच चुका है लेकिन इनका आजीविका है यहां पर हर घर नल से जल की योजना कछुए की चाल चल रही है क्यों कि के नाम केंद्र का होगा नहीं चाहते केंद्र जो भी योजनाएं ला रही है वो गरीब को केंद्रित करके ला रही है मुद्रा बैंक योजना से इतनी बड़ी संख्या में ऋण मिला है जिसमें करीब 59 परसेंट महिलाओं को मिला है जो आवासीय चार करोड़ मिले हैं 69 परसेंट महिलाओं को मिले हैं और ये मुद्रा बैंक का ऋण जो अब तक 10 लाख तक का था कोई गारंटर की जरूरत नहीं थी मोदी जी की गारंटी थी अब उसको बीस लाख कर दिया गया इससे क्या फ़ायदा है ये कहते हैं बेरोजगारी रोजगार का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यही है क्यों कि युवाओं को स्टार्टअप तैयार करते हैं इस देश में एक लाख से अधिक स्टार्टअप हैं अब बीस लाख तक का हो गया तो और मनेंगे युवाओं को रोजगार मिलेगा रोजगार नहीं है क्या शिक्षा की नीति में हमारे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने साठ साल बाद परिवर्तन किया है नई शिक्षा नीति लाए हैं कैसी शिक्षा नीति लाए हैं जो यहाँ के लोगों को रोज़गार परख होगी रोज़गार देने वाली होगी लोगों लो, लोगों को स्किल करने का काम किया जाएगा इसकी डेवलपमेंट के लिए अलग से योजनाएं चलाई जा रही हैं कोई बेरोजगार नहीं रहे शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं किया रहा। जा रहा बल्कि शिक्षा को व्यवसाय परख बनाया जा रहा है व्यवसाय मिलेगा जो शिक्षा में और गरीब लोगों को जो बिना पढ़े लिखे उनको भी स्किल करने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना ले आए हैं जो अट्ठारह छोटी जातियाँ हैं बुनकर हैं धुने हैं झुलाए हैं कुमार हैं नाई हैं मछुआरे हैं ऐसी अट्ठारह जातियों को शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाएगी ट्रेनिंग के दौरान पाँच सौ रुपये रोज़ मिलेंगे ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पंद्रह हज़ार का बहुत मिलेगा अपनी मशीन करके काम शुरू करो एक लाख रुपए उन्हें और दिए जाएंगे एक साल बाद दो लाख रुपए और सॉफ्ट सॉफ्ट लोन के रूप में दिए जाएंगे इस तरह लोगों को रोज़गार देने का काम किया जा रहा है पच्चीस करोड़ गरीब परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाल चुके दस वर्ष में और ए, दस करोड़ लोगों के परिवारों में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन चला गया महिलाएं बिचारी लकड़ी चुनकर धुएँ में उनके फेफड़े ख़राब हो जाते लंग्स ख़राब हो जाते थे तो ये काम मोदी जी की सरकार कर रही है ग्यारह करोड़ लोगों को शौचालय देने का काम किया तेरह करोड़ को आयुष्मान भारत योजना के कार्ड दिए और इस विषम परिस्थितियों में भी दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है आज हम जब अटल जी की सरकार अटल जी ने छोड़ी थी तो ग्यारहवें नंबर पर थे दुनिया में दस साल यूपीए की सरकार रही चौदह में जब आए तब भी ग्यारहवें नंबर पे थे एक इंच नहीं चले आ गया मोदी जी ने दस साल के इस काम में पाँचवें नंबर पे पहुंचा दिया और सत्ताईस तक तीसरे नंबर पे आने वाले हैं ये है मोदी जी का संकल्प मोदी जी की गारंटी जो कहते हैं वो करते हैं आज दुनिया में सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है चीन भी चार पर है हमसे पीछे है हम सात पॉइंट से ऊपर पहुँच गए तो तेज गति से बढ़ने वाली इसलिए दुनिया भारत के सामने नतपस्तक है वो देख रही है भविष्य यहाँ है और इसीलिए क्योंकि घोटाले नहीं हो रहे हैं एक मंत्री पे उंगली नहीं उठी है मोदी जी की सरकार में पिछली सरकार में हर महीने एक घोटाला आता था, था। पंडुब्बी घोटाला अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला वेल्थ घोटाला आदर सोसाइटी घोटाला टू जी स्पेक्ट्रम घोटाला घोटाले घोटाले थे आज तो कोई एक भी घोटाला नहीं हो इसीलिए सारा का सारा पैसा जो जनता का टैक्स का है वो सारा का सारा लग रहा है हमने मोदी जी की सरकार ने इन दस साल में वो काम कर दिया जो साठ साल में नहीं हुआ साठ साल में केवल आठ एम्स बने थे इन दस साल में तेईस हो गई सात साल में केवल सात सौ तेरह विश्वविद्यालय थे आज ग्यारह सौ तेईस हो गए सात साल में चार हजार कुछ डिग्री कॉलेज थे आज 48,000 से ऊपर डिग्री कॉलेज हो गए किस तेज़ गति से सात नए आई आई बन गए सात नए आई बन गए 225 सौ पच्चीस नए मेडिकल कॉलेज बन गए हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज जा रहा है उड़ीसा में बना रहे मेडिकल कॉलेज तो ये मोदी जी की सरकार है और एक ही क्षेत्र में नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं बेरोजगारी बेरोजगारी क्या सरकारी नौकरी से ये दूर होती है बेरोजगारी दूर होती है इंफ्रास्ट्रक्चर से मोदी जी की सरकार में भूतल परिवहन मंत्रालय का बजट पता नहीं कितना है यूपीए की सरकार का आखिरी साल का बजट था तेईस हज़ार करोड़ मोदी जी की सरकार का बजट है एक दो लाख सत्तर हज़ार चार सौ पैंतीस करोड़ का वो एक दिन में नौ सौ बारह किलोमीटर बनाते थे ये सरकार उनतीस से छत्तीस किलोमीटर सड़क बना रही है क्या रोजगार नहीं मिल रहा लोगों को रेलवे के लाइन का साठ साल में इक्कीस हज़ार किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ था और इन दस साल में अट्ठावन हज़ार किलोमीटर का हो गया रोज़गार नहीं मिल रहा क्या चाहे हवाई क्षेत्र का काम लो चाहे किसानों का मामला हो किसानों को लागत का डेढ़ गुना देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया यूरिया डीएपी, फर्टिलाइजर्स के दाम दुनिया में बढ़े हैं आप देखेंगे यूरिया के एक की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत तीन हज़ार है किसी देश में कम से कम भी चौबीस सौ पचास से कम कहीं नहीं है हमारे इंडिया में दो सौ का मिल रहा शेष सब मोदी जी दे रहे हैं डीएपी की कीमत चार हज़ार सत्तर है इंटरनेशनल मार्केट में हमारे किसान को तेरह सौ सत्तर का मिल रहा शेष मोदी जी दे रहे हैं इस तरह एन पी के एन ओ पी है जो कि बत्तीस सौ और सत्ताईस सौ का है हमारे किसान को तेरह सौ और सत्रह सौ का मिल रहा शेष मोदी लागत नहीं बढ़ने दे रहे किसान की फसलों की दाम बढ़ा रहे हैं लागत के डेढ़ गुने दे रहे हैं लागत किसान की नहीं बढ़ने दे रही है और छः हज़ार रुपये सालाना भी दे रहे हैं यहाँ की सरकार उसमें भी घपला कर रही है रेवेन्यू रिकॉर्ड ठीक नहीं कर रही बहुत से किसानों को नहीं मिल रहा अब तक करीब दो लाख अस्सी हजार करोड़ रुपया ग्यारह करोड़ किसानों खाते में सीधा जा चुका है यहां उसमें भी घपला है उड़ीसा में तो केंद्र की योजना गरीब पर आधारित सारी योजनाएं हैं और मोदी जी ने कहा है सत्ताईस में हमारी अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पर आने वाली है और इस काल में विकसित देश बनेगा दुनिया में आज मोदी जी के नाम की लहर चल रही है बड़े बड़े देश के नेता जो हमारे प्रधानमंत्री को मिलने का टाइम नहीं देते थे आज मोदी जी के पैरों में हैं और मोदी जी से ऑटोग्राफ मांग रहे हैं ये बदला हुआ भारत आज किसी देश की हिम्मत नहीं आंख दिखा दे एक लाख ये जो यूपीए की सरकार है कांग्रेस के टाइम में तैंतालीस किलोमीटर ज़मीन चीन को दे देती आज तैंतालीस इंच नहीं ले सकती चीन भी डरा हुआ है पाकिस्तान की हिम्मत नहीं आतंकवादी घटना करे दो करीब थी सौ किलोमीटर अंदर घुस के मारा एक पायलट हमारा उनके कब्जे में बिता अभिनंदन प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया मेरे पायलट कह अभिनंदन के खरोंच में आ गई अंजाम भुगतना होगा पैर कांप रहे थे इमरान मियाँ के पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि बाइज्जत चौबीस घंटे में छोड़ेंगे और बाघा बॉर्डर पर छोड़ के गए ये बदला हुआ भारत है आज विषम परिस्थितियों में भी हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है देश का गौरव बढ़ा है यूक्रेन रूस की लड़ाई में तेईस हज़ार लोग फंसे हुए थे जिस तरह से उनको भारत ने निकालने का काम किया माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं हुआ आज देश तरक्की की ओर है लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह करने पर लगा हुआ है विपक्ष की चाल कोई भी सफल नहीं होगी जात बिरादरी के नाम पर धर्म मजहब के नाम पर भड़काने की कोशिश करता है लेकिन मोदी जी ने संकल्प किया है पहले कहा था तीन सौ सत्तर हटेगी हटा दी राम मंदिर बनेगा बन गया और सी ए लाना था ले आए तीन तलाक खत्म करना था कर दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाना था ले आए और अब कहा है वन नेशन वन इलेक्शन दूसरा संकल्प किया है यूनिफॉर्म सिविल कोड तीसरा किया है तीन करोड़ गरीब परिवारों को और देंगे यहाँ जैसी उड़ीसा जैसी जगह में जो पात्र व्यक्ति को नहीं मिला है आने वाले समय में हमारी डबल इंजन की सरकार होगी यहाँ भी पात्र व्यक्तियों को मकान मिलेगा तीन करोड़ जो नए मकान मिलने वाले हैं तो इसलिए सारी योजनाएँ यहाँ रोजगार का लिए भी यहाँ युवाओं को स्किल करने के लिए भी यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में भी भारी परिवर्तन हुए हैं जो 60 साल में देश में नहीं हो सके वो 10 साल में करके दिखाए हैं ये बात भी हमारे कार्यकर्ता घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे यही सब मंत्र और यही सब बताने को आए थे पैसा तो जनता समझ चुकी है अंडर करंट है जनता इनकी जो यहाँ का सुपर सीएम है और वो सरकार को चला रहा है एक अधिकारी है जनता जान चुकी है कि सारा पैसा तो मोदी जी दे रहे हैं चाहे हर घर नल से जल जा रहा हो या आवास बनने हो या उज्ज्वला गैस हो या और मुद्रा बैंक से ऋण हो सब तो मोदी जी दे रहे हैं और चाहे किसान सम्मान निधि हो और ये जो राशन मिल रहा है इन पर भी अपने फोटो लगा करके आवास पर भी अपने नाम लिख कर के ये सब फर्जी काम कर रहे हैं यहाँ की सरकार भ्रष्ट सरकार है यहाँ का विकास देश के विकास के साथ साथ उड़ीसा का भी विकास तभी अच्छा होगा जब यहाँ ईमानदार सरकार और मोदी जी का एक कार्यकर्ता जो विचार परिवार से जुड़ा वो इस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा तभी यहाँ का भी विकास होगा और इस बार ये संकल्प है यहाँ की जनता मन बना चुकी है कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और केंद्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सांसद जीत के जाएंगे हमें कथा हो भारतीय जनता पार्टी रड़ीसा निर्वाचन प्रभारी विजय পাল সিং তোমাৰ সৈতে এখন কথা ক'লে যে কেন্দ্ৰীয় যোজনা কিভাৱ ভাৱে ওড়া চৰকাৰ হড়প কৰোঁ নিজৰ ষ্টিকৰ মাৰি ওড়াৰ লোক দিনৰে লণ্ঠন দেখাওক এথৰ জনাৰণন হৈ ভিতৰত বিচাৰ ধাৰা আছে নিশ্চিত ভাৱে দুই হাজাৰ চৌবিশৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰোঁ ওড়িশাৰ জনবাসী এজন উচিত প্ৰাৰ্থীক ভোটদান জয়যুক্ত কৰম ভিডিঅ' জৰ্ণালিষ্ট ভাগিৰথী উৎপল কুমাৰ চাহু अगस्त न्यूज़ यदि आपन को हम वीडियो टी भल लागिला तबे हम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करबा को ज़मा भी बुलंत नहीं